हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वाति। वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति चौरसिया आर्ट लर्न आर्ट कभी भी। मैं फ्रेंड्स, आप लोग काफ़ी लोग बता रहे पूछ रहे थे मुझसे कि आप कौन से ड्राइंग टूल्स यूज़ करते हैं, कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं, किस मटेरियल से आप अपनी ड्राइंग बना रहे हैं। तो मैं आप लोगों के साथ अपने ड्राइंग मटेरियल, ड्राइंग टूल्स शेयर करना चाह रही हूँ। तो ये कुछ पेंसिल्स हैं जिसे मैंने अपने सबसे ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ अपनी ड्राइंग में अभी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये राइसेंस कंपनी की 24 पीस की पैकेट बॉक्स है जिसमें हमें 9H से लेकर के 14B तक की ग्रिड अवेलेबल हो रही है इस बॉक्स में। ये बॉक्स मैंने अमेज़ोन से परचेस किया था करीबन 6 मंथ पहले, 6-7 महीने पहले मैंने परचेस किया था। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग चेक कर लेना। फ्रेंड्स, यही मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ में आ रही है, सबसे ज़्यादा यूज़ेबल जो पेंसिल मेरी अभी हो रही है वो यही है। इन्हीं पेंसिलों से मैं अपनी ड्राइंग अभी बना रही हूँ शेडिंग के लिए। अच्छी पेंसिल से कोई प्रॉब्लम नहीं है ग्रिड में, ग्रिड हमें काफ़ी हद तक अच्छी मिल रही है। और ये एक दूसरा ब्रांड है जिसके मैं पेंसिल सबसे ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। इसका ग्रेफाइट काफ़ी हद तक डार्क है, डार्क एरिया को हमें अच्छी तरह से वैल्यू मिलती है, डार्क एरिया हम अच्छी तरह से डार्क कर सकते हैं इससे। और इसका मेरे पास एक अनयूज पैकेट पड़ा है, एडवांस पैकेट है, जिसे मैं आप लोगों के साथ खोलकर आप लोगों को बताती हूँ। इसमें हमें 2S से लेकर 8B तक की ग्रिड मिल रही है। ये 12 पेंसिल का पैक है, ये भी मैंने अमेज़ोन से परचेस किया था 6 मंथ पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, ये करीबन 200 के अंदर अंदर आ गया था। और वो वाला जो पहले वाला जो मैंने पेंसिल पैक बताया 24 वाला, वो समथिंग 300 के अंदर अंदर आ गया था। मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप लोग अमेज़ोन पे चेक कर लीजिएगा। ये देखिए, इसमें 12 पेंसिल हैं, कुछ इस तरह की हैं। एक पैक मेरे पास खुला हुआ है जो कि इसमें से पेंसिल मेरी काफ़ी हद तक मिस हो चुकी हैं, लीड ग्रेड काफ़ी मैंने यूज़ कर लिए हैं तो उसमें ख़त्म हो गई है। ये पूरा पेंसिल पैक है, ये इसमें 12 पेंसिल्स का पैक है। ये 12 पेंसिल्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ, 12 ग्रेड मिल रही हैं इसमें, F ग्रेड इंक्लूड है। देखिए फ्रेंड्स, बस यही दो पेंसिल्स ब्रांड की जो है मेरे पास सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही हैं अभी की ड्राइंग में। और आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ अपने ड्राइंग पेंसिल मैंने कौन कौन सी यूज़ की है। ये देखिए, मैकेनिकल पेंसिल है मेरे पास जो कि 3 पॉइंट में है। कैमलिन की है, नीली वाली 0.5 की है, ऑरेंज वाली 0.7 की है और ब्लैक वाली 0.9 की है। तो आउटलाइन और बारीक एरिया को शेड करने के लिए, बारीक एरिया की लाइंस डालने के लिए, रिंकल्स के लिए सबसे ज़्यादा मैं ये यूज़ करती हूँ और काफ़ी यूज़ेबल है। मैकेनिकल पेंसिल काफ़ी यूज़ होती है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं बस यही ड्राइंग में टूल्स यूज़ करती हूँ। अब ये शार्पनर है जो कि अप्सरा ब्रांड का है और इसकी लॉन्ग पॉइंट शार्पनर है जिससे अच्छी खासी लॉन्ग पॉइंट टिप मिलती है मुझे, पेंसिल्स इसी से शार्प करती हूँ। ये कुछ इरेजर्स हैं जो कि 2-3 इसमें है टाइप्स में। टोम्बो मोनो 0 इरेजर है जो कि काफ़ी हद तक हम हाईलाइट के लिए यूज़ करते हैं। इसकी गोल टिप है, बारीक टिप है और बारीक लीड है। और ये थोड़ी मोटी लीड का इरेजर है जो हमें सबसे ज़्यादा थोड़ा मोटे एरिए को, ज़्यादा एरिए को इरेज करने के लिए यूज़ करती हूँ। कुछ इस तरह की इसकी लीड है, इस तरह से इजीली ये अंदर भी डल जाती है। तो फ्रेंड्स, इजीली डल भी जाती है ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई इशू नहीं होता और यूज़ करने में भी अच्छा है। इसी तरह से ये बारीक लीड है इसकी, टोम्बोमोनो 0 इरेजर की लीड बहुत बारीक है। इस तरह से हम अच्छे से इसकी हाईलाइट कर सकते हैं इससे, और आइज़ में, हेयर में काफ़ी अच्छी हाईलाइट होती है। तो हाईलाइट के लिए बहुत अच्छा यूज़फुल टूल्स है ये। तो बस ये दो इरेजर सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। और सबसे ज़्यादा जब मैं ये ड्राइंग करने के बाद जो ग्रेफाइट फैल जाता है या ओवर ग्रेफाइट हो जाता है या कहीं हाईलाइट ऐसी देनी पड़ती है जहाँ ग्रेफाइट हमें डस्ट नहीं निकलना चाहिए, उस जगह ये डस्ट फ्री नीडेबल इरेजर यूज़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रूलर है जिसे मैं मेज़रमेंट के लिए यूज़ करती हूँ। टिश्यू पेपर है जो कि ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करती हूँ, स्मूथ ब्लेंडिंग के लिए। ये मेरे मेकअप ब्रश है, ये ब्लेंडिंग के लिए ब्रश यूज़ करती हूँ जो कि ख़राब हो चुके थे, ये मैंने नए परचेस किए हैं। इसका वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी बना रखा है मैंने मेरे चैनल पे, आप लोगों को इसका वीडियो मिल जाएगा और उसमें इसकी लिंक भी मिल जाएगी, अमेज़ोन से परचेस किए थे। ये पेपर स्टम्प है जो कि ब्लेंडिंग टूल्स हैं, इसे भी मैं यूज़ करती हूँ, बट फोटोग्राफ और ड्राइंग के अकॉर्डिंग मैं अपने ब्लेंडिंग टूल्स को
यूज़ करती हूँ। तो बस यही कुछ यूज़ेबल मेरे जो ड्राइंग मटेरियल है वो ये सब है। इसे मैं अलग अलग बॉक्स में मैंने डिवाइड कर रखे हैं। जैसे ये मैंने चश्मे का केस यूज़ किया है इसे स्टोर करने के लिए। ये 12B के ड्राइंग पेंसिल्स हैं, इसका वीडियो भी मैंने बना रखा है ब्रश के साथ में। तो रिसेंट में जो वीडियो बना हुआ है आप लोग इसे मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मेरे चैनल पर मिल जाएगा आपको। 12B की पेंसिल से ये भी मैंने अमेज़ोन से परचेस की थी और इसके वीडियो में इसकी लिंक भी मिल जाएगी आपको। तो चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे इस वीडियो को, और इसके वीडियो में आपको इसकी दोनों प्रोडक्ट की लिंक भी मिल जाएगी जो अमेज़ोन से परचेस किए थे। फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। ये सकोरा का रोली जेल पेन, वाइट जेल पेन है जो कि मैं हाईलाइट के लिए यूज़ करती हूँ, डॉट्स के लिए यूज़ करती हूँ। काफ़ी हद तक अच्छा हाईलाइट और डॉट होते हैं इससे, काफ़ी यूज़ेबल है। इसमें हमें तीन टिप मिल रही हैं, तीन पॉइंट मिल रहे हैं, 0.5, 0.8 और 10। 0 पॉइंट का सबसे बारीक पॉइंट होता है, फिर मोटा पॉइंट होता है थोड़ा सा जो कि 0.8 का होता है, और सबसे मोटा पॉइंट होता है 10 का। तो बस यही हाईलाइट के लिए यूज़ होते हैं। मैं कम से कम यूज़ करती हूँ जेल पेन, बट फिर भी यूज़ में आता है। फ्रेंड्स ये मेरे कैमलिन की पेंसिल का सेट है जो कि मैंने बिगनिंग में यूज़ किया था, परचेस किया था। सिक्स पेंसिल का, सिक्स ग्रेड के पेंसिल से यूज़ किया, परचेस किया था, जो एक पैकेट में आता है, एक बॉक्स में आती है। और उस बॉक्स में सिक्स ग्रेड मुझे अवेलेबल हुई थी, जो कि जिससे मैंने सबसे ज़्यादा अपने ड्राइंग टूल्स में यूज़ किया है, ड्राइंग मटेरियल में सबसे ज़्यादा ये यूज़ किए। बिगनिंग में मैंने काफ़ी हद तक, ये अप्सरा के पेंसिल्स हैं, इसका भी मैंने सिक्स पेंसिल का पैक परचेस किया था और काफ़ी हद तक शेडिंग के लिए यूज़ किया है ड्राइंग में। बिगनिंग में मेरे लिए काफ़ी हद तक अच्छे एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ, मैंने काफ़ी अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव किया है, बहुत अच्छे प्रैक्टिस की है इससे, बहुत हद तक काफ़ी टाइम तक मैंने इससे प्रैक्टिस की है और अच्छा रहा है। तो प्रैक्टिस के लिए फ्रेंड्स ये दोनों ब्रांड अच्छे हैं, और ग्रिड भी अच्छी मिल जाती है हमें, तो शेडिंग भी हमें अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। ये मेरे पास अनयूज्ड पैकेट हैं जो कि मैंने अप्सरा की पेंसिल के ग्रेड के परचेस किए थे, और 9 भी अवेलेबल नहीं थी जिस शॉप से मैंने ख़रीदी। तो मैंने कैमलिन का पैकेट परचेस किया था, कैमलिन की 9B पेंसिल्स ग्रेड के परचेस की थी, जो कि एक पैकेट में 10 पेंसिल्स का सेट है, 10 पीस मुझे मिल रहे हैं। ये अप्सरा की पेंसिल्स का पैकेट है जो कि 10B का है। इस तरह से हर पैकेट में 10 पीस अवेलेबल हैं। एक शार्पनर, एक इरेजर अवेलेबल है जो कि बिगनर के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, काफ़ी यूज़ेबल है। सो बस यही मेरे ड्राइंग टूल्स थे जो मैं यूज़ करती हूँ। ये स्क्रबर शीट है जो मैं पेपर स्टम्प को शार्प करने के लिए यूज़ करती हूँ। ये ड्राइंग बुक है जिसमें मैं अपनी ड्राइंग बनाकर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। स्टैंडर्ड की A4 साइज़ का पेपर है। बस यही कुछ मेरे ड्राइंग टूल्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोगों के साथ, आप लोगों को ड्राइंग बनाकर शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ ड्राइंग वीडियो। ये मेरी सबसे पहली पेंसिल्स है जिससे मैंने ड्राइंग स्टार्ट की थी। आउटलाइन, फेस के फीचर्स, आउटलाइन, शेडिंग सब मैंने एक ही पेंसिल से किया था। जब मैं बिगनिंग में बिगनर थी, मैंने स्टार्ट जब ड्राइंग की तो मैंने इसी से पेंसिल से की थी। बस यही स्टार्ट करने में मेरा पेंसिल सबसे फेवरेट पेंसिल थी है मेरी। बस इसी तरह जो भी टूल्स थे मैंने आप लोगों के साथ मटेरियल शेयर किया है। सो फ्रेंड्स वीडियो एंड होने वाला है, तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। बस ये दो पेंसिल सबसे ज़्यादा यूज़ में आ रही हैं फ़िलहाल मेरे पास, जो कि मैं ड्राइंग बना रही हूँ जिनसे। तो बस मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स बॉक्स में बताना कैसा लगा। के बाय, टेक केयर, बाय बाय।